छी कितने गंदे हैं लोग, जैसे भी सुगले सगले से तो मिलवाते हैं मेरी स्माइली वाली रोटी से। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग दोबारा से। और जैसा कि आप लोगों में दिखाया था, चिकू के पापा लेके आए थे जी सोया मलाई चाप का एक पैकेट, और हम बनाएंगे अभी। ये सोया चाप का पैकेट है, इसमें से भाई कुछ इस तरह की ये चार चाप निकली हैं देखो। और ये ना मैंने पानी में भी डाल ली, और मतलब कि इसको गर्म भी किया पर नहीं निकल रही थी भाई। तो ये चिकू के पापा ने एडवाइस दी भी इसको ना काट दे, तो दोनों साइड से काट दिया। मुझे नहीं पता ये कैसी बनेगी, लेकिन इसके अभी पीसेस करेंगे हम कुछ इस तरह से। फिर इसको हम करेंगे जी फ्राई, दिखाऊंगे आप लोगों को पूरा प्रोसीजर। और ये कुछ इसका मसाला आया जी साथ में, कुछ ये टमाटर और ये प्याज और जी अदरक, सबको पीस के कर लेते हैं हम मसाला तैयार। तो जी देख लीजिए मैजिक, किधर ये हमारी जो टमाटर की प्योरी है वो हो चुकी है रेडी। प्याज को ग्राइंडर कर लिया है, सॉरी टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया इधर। और ये प्याज को हम भुनेंगे जी, और ये हमारी सोया चाप, और इधर हो चुका है जी हमारा तेल गरम, बिल्कुल स्लो गैस पे तेल गरम करना है, और फिर हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तो जी इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो जी देखिए हल्का फ्राई हो चुका है हमारा सोया। तो जी सोया चाप है जो हमारी मतलब हल्की जो फ्राई है वो हो चुकी है, और अब हम इसमें डालेंगे जी प्याज, और प्याज को भी हम फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। और जी जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं इधर हम, मेरे पास दही नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने भी थोड़ा सा ये रायता लिया है, मेरे पास रखा हुआ था कल का। इसके अंदर नमक मिर्च सब कुछ है, जीरा भी है, तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरह से डाल के, और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जी ये देख लीजिए हमने कुछ दही के अंदर इसको मिक्स कर लिया। वैसे दही आपके पास हो तो आप दही डाल सकते हो, नहीं तो मेरी तरह रायते से भी काम चला सकते हो। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और तब तक हम प्याज को फ्राई करते हैं। तो जी देख लीजिए हमारे प्याज जो भून चुके हैं, अभी इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे 5-7 मिनट के लिए। तो जी अब हम डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल वही भी हमने फ्राई भी कर लिया है उसमें भी हो चुका है, और प्याज भी हमने जो फ्राई किया उसमें भी बहुत ऑयल हो चुका है, तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। बना तो हम वैसे बाहर स्टाइल में ही रहे हैं, लेकिन इतना भी ऑयल नहीं डालेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाए, तो ठीक है इतना ऑयल बहुत है। तो जी आप लोगों को मैं मसाले दिखा दूँ, ये है जी सोया चाप का मसाला, और ये पाव भाजी वाला मसाला जो हमारे पास था, MDH मसाला और देगी मिर्च, और ये सारे जीरा वगैरह सब कुछ, खड़े मसाले भी डाले। तो जी 2-4 लौंग और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम, और इसको चटकने देते हैं पहले। वैसे सोया चाप में जीरा डलता नहीं है, बहुत कम डाला जाता है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जी, क्योंकि हमारा हल्का ब्राउन तो जो हो चुका है जीरा, और इसमें हम डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है, जिसको पकने देते हैं जी।
इसको पकने देते हैं अच्छे से, और तब तक मैं इन जो भुने हुए प्याज हैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ और अपने जो मसाले हैं वो रेडी कर लेती हूँ। तो जी देख लीजिए प्याज टमाटर हैं जो हमारे पूरी तरह से पक्के हो चुके हैं रेडी। अब हम इनमें करेंगे जी हमारे जो मसाले हैं वो, लीजिए मसाला डाल दिया हमने, सोया चाप वाला मसाला था जो। और जी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे नमक, मिर्च और हल्दी, जिस तरीके से भी आप लोग खाना पसंद करते हो। तो ये मेरे बच्चे कम खाते हैं तो मैं कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। तो मिक्स कर देंगे, गैस को अभी हम स्लो कर देंगे और साथ में ऐड कर लेंगे हम इसमें देगी सॉरी MDH मसाला। और जी थोड़ा सा देगी मसाला और थोड़ा सा हम पाव भाजी मसाला कुछ इस तरह से, और अब इसको हम कर लेंगे जी मिक्स। और अब फाइनली हम डालेंगे जी ये हमारे जो ग्राइंड किए हुए हैं प्याज, तो जी भुने हुए प्याज हमने डाल दिया, अब इसको हम कर देंगे मिक्स और थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। तो जी मसाला जो है हमारा पक्के हो चुका है रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे जी हमारी सोया चाप जो हमने फ्राई करके और दही के अंदर रखी हुई थी, वो इसको कर देंगे मिक्स। तो जी देखिए फाइनली हमारी चाप है जो आधी अधूरी ही हो चुकी है रेडी। वैसे अगर हम इसको ऐसे भी खाना चाहे तो खा सकते हैं थोड़ा सा मतलब पकने के बाद, लेकिन हम इसमें अभी और भी कुछ ऐड करेंगे क्योंकि हम मलाई चाप बना रहे हैं, तो इसमें मलाई भी ऐड करना है और थोड़ा सा पानी भी डलेगा। तो जी अब हम इसमें करेंगे मलाई ऐड। तो जी देखिए क्या ही मतलब कि टेस्ट आएगा खाने में, मेरा मन कर रहा है खा लूं पर अभी नहीं खाएंगे। इसके अंदर हम करेंगे जी पानी ऐड और इसको पकने देते हैं। अभी कलर आएगा इसका, जब तक ये पकेगी अच्छे से तब इसका कलर आएगा। तो जी देख लीजिए फाइनली मेरी सब्जी है जो वो बन के हो चुकी है रेडी। ये देख लीजिए सोया चाप, और ये कुछ इसकी कंडीशन इसलिए हुई है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी जी, मेरे से कट रही। तो उतरे जी चावल रोटी और साथ में सलाद, और अभी देख के आते हैं जी चीकू के पापा को और आप लोग भी खा लीजिए, अभी बहुत मेहनत लगी है मेरी बहुत ज्यादा। लो जी खाओ। क्या नाक मुंगड़ी दे रहे हो? अरे यहाँ खाज कर रहा था यहाँ पे ऐसे ऐसे मन के देखूंगी मैं ब्लॉग में कोई ना, कितने छी कितने गंदे हैं लोग नाक में उंगली डाल के। खा के बताओ कैसी बनी। मैं नहीं बढ़िया बनी, मसाले एकदम परफेक्ट है, एकदम तिखे तिखे हो रहे स्पाइसी बढ़िया। चल ठीक। तो जी अब इनको हम दे देते हैं सैलेड जैसे भी सुगले सगले से है। और इधर देखो भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये रामदे 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 खेल लो रामदे, चोट लग जाएगी बेटा।
आपको मिलवाते हैं मेरी स्माइली वाली रोटी से। देखिए मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है अभी देसी, और मैंने रील बनाई थी, एक रील ट्रेंड में चली हुई है तो उसके लिए मैंने स्माइली बनाई थी। तो अभी चिकू के पापा को दे के आएंगे, देखते हैं उनका रिएक्शन। हाँ जी देखो स्पेशल रोटी बनाई मैंने, देख लो। अच्छी बनी है ना, स्माइली वाली रोटी बनाई मैंने, देखो दिखा लो, पकड़ो जल्दी। तो ये खाएंगे जी, लगाइए एक बार फेस पे, आ जाएगी आपके यहाँ। अच्छी लग रही है, लड़ाई कर करके बनवाए हैं। गाइस ये देखिए, ये देखिए गाइस, क्या मिर्ची खा रहा आज। ओ तेरा, बारिश आएगी, बारिश हो तो मिर्ची कभी भी नहीं खाता। तूने नमक के मांगे थे बेटा, और सब्जी कौन खाएगा, डेढ़ एकड़ का बनाई है मैंने चाप वाली, खाओ। खा ले, चल खा ले, 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 खा लो। कहाँ घूम रहे हो ओए काके, क्या हुआ? इधर आ जाओ, इधर बाबू, ओए बाबू इधर आ जाओ। चलो चलो, बाबू क्या नाम है इसका, काकोए बाबू, मैं बैठ चुका गाड़ी में, मैं मेरे को तो बिठा लेना, क्यों? नहीं नहीं कर दिया, नहीं नहीं तो गाइस देख लीजिए, हम आ चुके हैं जी ब्रह्म सरोवर पे, और वो चले भी गए। बैठ जो, वो बत्ता उत्ता मारी हमने यहाँ बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है क्या। अरे बैठ जा थोड़ी देर, थोड़ा ले लिया हवा का, थोड़ा सा ना अच्छा फील होता है अभी बैठ के यहाँ पे, बत्ते मारने का, गपशप करने का। बाकी आए हम वॉक करने के लिए, जा रहे हैं हम। तो ये पानी देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो जी ब्यूटीफुल सा नज़ारा ब्रह्म सरोवर का, और सूर्य महाराज देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जी हमारा राउंड है जो हो चुका है कम्प्लीट, और ये देख लीजिए धुंध, और पूरा वहाँ से दिख ही नहीं रहा भाई कुछ भी, धुंध इतनी हो चुकी है देखो चारों तरफ से, और लाइटें हो चुकी हैं ब्रह्म सरोवर की ऑन, और मेन गेट हमारा ये रहा, हम जाएंगे चले फिर चलो। और ये मैं लेके आई हूँ जी कुछ यूनिक सी अलग सी चीज़, जो घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, ठीक है जी। आज दनमाग ला दी, दनमाग चिकू के पापा के। हाँ जी चले चलो फिर।